गुड मॉर्निंग 9th-10th क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको चैप्टर 3rd स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आपको 20 एलिमेंट्स के नेम लिखाए थे, तो आप उनको लर्न करना है. और कल मैंने आपको कुछ फॉर्मूला बनाने वगैरह सिखाया था, ठीक है? उनको इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करते हैं वो सिखाया था मैंने, ठीक है? अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है? तो सबसे फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन अपन देखते हैं क्या होता है. सीइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस सब्सटेंस, हुमन हैव आइडेंटिफाई द यूजेज ऑफ दीज सीन एंशियंट टाइम्स, ठीक है? हुमन्स कई सालों से, मतलब पिछले टाइम से ही कई सारी चीज़ें उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग देखता आ रहा है, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स, द पीरियोडिक टेबल क्लासीफाई एलिमेंट्स इंटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स. तो पीरियोडिक टेबल, वो आपके नेक्स्ट अगले बाद में चैप्टर में आएगी, वो पीरियोडिक टेबल जिसमें एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उनको क्लासीफाई करा गया है, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटेलॉइड्स में. द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज ग्रुप आर ग्रेटली, मेटल्स टेंड टू बी डक्टाइल. जैसे मेटल्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे डक्टाइल, मेलिएबल, ठीक है, लस्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक है. ऑन द अदर हैंड नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, ये नॉन लस्टर होते हैं, ब्रिटल होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. तो हम ये टर्म पढ़ेंगे कि डक्टाइल, मेलिबिलिटी, ये सब क्या होता है. डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल मीन्स देन एन एलिमेंट हैज़ द एबिलिटी टू बी ड्रॉन इनटू ए वायर. डक्टाइल मीन्स होता है कि किसी भी एलिमेंट में क्या एबिलिटी होना, कि हम उसके वायर ड्रॉन कर सके, मतलब उसके तार बना सके, तार खींच सके. जैसे कॉपर, कॉपर इज़ यूज इन वायरिंग, कॉपर वायरिंग में यूज़ में आता है. क्यों? क्योंकि इत मेलिएबल है, इसकी अपन एबिलिटी होती है इसमें कि अपन इसको क्या कर सकते हैं, इसको तार बना सकते हैं. और सेकंड है मेलिएबल, जो तार बना सकते हैं वो प्रॉपर्टी तो हो गई डक्टाइल. और मेलिएबल मीन्स हो गया डेट एन एलिमेंट्स हैज़ द एबिलिटी ऑफ हैमर्ड इनटू थिन शीट, वाइल लस्टर मीन्स द एलिमेंट इज शाइनी. मेलिएबल का मतलब होता है कि अगर हम उसको हैमर से, उसको क्या करेंगे, शीट को हैमर्ड करेंगे, पीटेंगे, तो वो शीट में टर्न हो जाएगी, ठीक है. कोई भी एलिमेंट को अगर हम हैमर से करेंगे, हथौड़े से पीटेंगे, तो शीट में टर्न हो जाएगी. और लस्टर का मतलब होता है शाइनी. जैसे सिल्वर एंड गोल्ड आर बोथ मेलिएबल, बोथ सिल्वर और गोल्ड दोनों है, मेलिएबल भी है, लस्टर भी है, डक्टाइल भी है, विच आर एक्सीलेंट प्रॉपर्टीज़ फॉर यूजिंग दिस. तो इसी प्रॉपर्टी के कारण हम सिल्वर और गोल्ड को इसमें यूज़ में लेते हैं, हम ज्वेलरी मेकिंग में. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन एडिशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैव अपोजिंग केमिकल करेक्टरिस्टिक्स. मेटल और नॉन मेटल्स की, इन दोनों की जस्ट अपोजिट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है. जो मेटल में होंगे वो नॉन मेटल में नहीं होंगे. मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती है? उनमें मेटल्स की और नॉन मेटल्स की दोनों की करेक्टरिस्टिक्स होती है. जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन लस्टर भी होता है, चमकीला भी होता है, और तो ये मेटल की तरह लुक लाइक होता है, बट डज नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है मेटल की. जैसे सिलिकॉन इज ए क्लासिफाइड एज ए सेमी कंडक्टर, इसलिए इसे सेमी कंडक्टर बोलते हैं, सिंस इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बेटर देन ए नॉन मेटल. लेकिन ये नॉन मेटल से तो ज़्यादा थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है. द प्रॉपर्टीज ऑफ सिली कौन मेक इट इन एक्सीलेंट चॉइस फॉर यूज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. इसलिए इस प्रॉपर्टी के कारण इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में काम में लेते हैं. दस ऑल एलिमेंट्स आर क्लासीफाई इंटू 3 कैटेगरीज में हम क्लासीफाई करते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स. फर्स्ट है मेटल्स. मेटल्स आर द एलिमेंट्स सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर विथ फ्रॉम कैटायंस बाई यू लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स. देखो कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करके, इलेक्ट्रॉन देके ये पॉजिटिव हो जाते हैं. कल मैंने आपको बताया था कि कैसे सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब मेटल ही तो है. इन्होंने क्या करे थे, इलेक्ट्रॉन्स दिए थे, इन्होंने लॉस करे थे इलेक्ट्रॉन. जैसे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, मैग्नीशियम ने 2, एल्युमिनियम ने 3, ठीक है. तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है. गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, लेड, आयरन, मर्करी, ये सब मेटल्स हैं. जैसे कोई भी एक मेटल लिया हमने, ये इलेक्ट्रॉन इसने दिया, ठीक है, और क्या बन गया, एम यहाँ पे पॉजिटिव बन गया, कैटाइन बन गया. मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोलते हैं, हम कैटाइन. सारे मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं सिर्फ मरकरी को छोड़कर, ठीक है.
मोर देन थर्ड फोर्थ ऑफ द एलिमेंट नोन आर मेटल, ठीक है। नॉन मेटल्स देखते हैं, द एलिमेंट्स विच टेंड टू फॉर्म एनाइन, ये क्या नेगेटिव आइंस बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लेकर। जैसे हमने क्लोरीन देखा था, क्लोरीन ने क्या करा था, एक इलेक्ट्रॉन लिया था और माइनस चार्ज आ गया था, इसलिए ये एनाइंस बनाते हैं। देर आर 22 नॉन मेटल्स, कितने नॉन मेटल्स है 22। मोस्ट नॉन मेटल्स आर गैसेस फॉर्म में होते हैं ये सारे, सम नॉन मेटल्स अगर सॉलिड, कुछ सॉलिड भी होते हैं, मतलब तीनों फॉर्म में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ब्रोमीन इज़ द ओनली नॉन मेटल विच अकर इज लिक्विड अंडर नॉर्मल कंडीशन, केवल ब्रोमीन ही ऐसा है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, बाकी सब गैस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सॉलिड नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं, जैसे कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन, ठीक है। ऐसे ही लिक्विड नॉन मेटल कौन सा है, ब्रोमीन, तो ये आपको लर्न रखना है कि लिक्विड कौन सा है। ऐसे ही मरकरी एक्सेप्शन, ये सारे जो एक्सेप्शन है वो तुम्हें लर्न रखना है कि मरकरी कैसा होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है गैसेस नॉन मेटल, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कोई भी एक नॉन मेटल है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और माइनस चार्ज आ गया एनाइन, ठीक है। अब है मेटेलोइड्स क्या होते हैं, मेटेलोइड्स द एलिमेंट्स विच बिहेव लाइक मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, जैसे बोरोन, सिलिकोन, आर्सेनिक, ये मेटेलोइड्स हैं, ठीक है। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं अपन मेटल्स की, ये मेलिएबल होते हैं, जैसे अभी अपने स्टार्टिंग में देखा था कि मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, शाइनी नेचर के होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। तो ये एक एक प्रॉपर्टीज़ इनकी देखते हैं, ठीक है। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की आपको एक चार्ट बनाना है मेटल्स और नॉन मेटल्स का, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। देखिए वो कौन सी टेबल है, देखिए ये वाली टेबल, पेज नंबर 48 पे, जो ये 3.14 डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये वाली आपको क्या करनी है, टेबल बनानी है। जैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बताया हुआ है इसमें, तो मैं ये आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिसको आपको अच्छे से पूरे एक पेज पे बनेगी ये, तो लंबी तो ऐसे बनेगी नहीं, इसको ऐसे आप आड़ी बनाना, ठीक है। तो पहले तो ये पॉइंट कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके अकॉर्डिंग डिफरेंस करेंगे हम, फिजिकल स्टेट, लस्टर, सोनोरिटी, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी के अकॉर्डिंग इनमें डिफरेंस करेंगे। तो एक एक ले लेते हैं अपन। जैसे मेटल्स ये जनरली सॉलिड होते हैं सिर्फ मरकरी को छोड़कर, और ये आइदर सॉलिड और गैसेस, ये सॉलिड और गैस में होते हैं, सिर्फ ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होती है। लस्टर, ये शाइनी लस्टर मतलब इन्हें चमक होती है, जिसे मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। दे आर नॉन लस्टर, ये नॉन लस्टर होते हैं केवल ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर, ठीक है। तो ये जो इनके एक्सेप्शन है इनको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर यही चीज़ें पूछी जाती है एक्सेप्शन वाले को, जैसे ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर बाकी नॉन लस्टर होते हैं। और सोनोरिटी मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं ये, अगर इनको हार्ड सरफेस पे मारा जाए इनसे तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये नॉन सोनोरस होते हैं। मेलिएबिलिटी मतलब इनके थिन शीट बना सकते हैं इनको पीट के, जैसे गोल्ड और सिल्वर की, ये नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल होते हैं। नेक्स्ट है डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब इनके वायर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे गोल्ड, सबसे ज़्यादा गोल्ड में डक्टिलिटी होती है, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टिलिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे सिल्वर और कॉपर, ये पुअर कंडक्टर होते हैं सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट सिल्वर एंड कॉपर, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जगह क्या आएगा, हीट आएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का तो ऊपर बता दिया ना, तो ये हीट का है। हार्डनेस, ये हार्ड होते हैं सिर्फ एल्केलाई मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको नाइफ से भी हम कट कर सकते हैं। ये सॉफ्ट होते हैं सिर्फ डायमंड को छोड़कर, डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। मेल्टिंग पॉइंट, अब ये सॉलिड है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इनके क्या होंगे, हाई होंगे, सिर्फ गैलियम को छोड़कर। गैलियम सिर्फ हमारे पाम मतलब हथेली पे लेने पर ही ये मेल्ट हो जाता है, ठीक है। और ऐसे ही सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, ये भी मेल्ट हो जाते हैं बॉडी टेम्परेचर पे, क्योंकि बहुत सॉफ्ट है,
ठीक है, हार्ड नहीं है तो ये मेल्ट भी जल्दी ही होंगे। ये लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर। देखो यहाँ पे ग्रेफाइट बार बार आ रहा है क्योंकि ग्रेफाइट में ज़्यादातर क्या है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ है, गुड कंडक्टर है, शाइनी नेचर का है, ठीक है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। डेंसिटी इनकी हाई डेंसिटी है क्योंकि पता ही है सॉलिड की हाई डेंसिटी होती है सॉलिड्स की, और इसमें लो डेंसिटी होती है। तो ये आप अच्छे से इनको लर्न करना है क्योंकि एग्जाम में डिफरेंस आते हैं ये 10, तो इनको अच्छे से लर्न करना है तुम्हें और नोटबुक में लिखना है। आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।